ये क्रिश्चियन धर्म की एक बुक है। हाँ, लोग है जो प्रचार कर रहे हैं अपने धर्म का, आपने सुना होगा सच साहब। इसकी कीमत है 10 रुपए, ये देखिए। ठीक है, और कैमरे के सामने यही लोग जो ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज के लोग ये है वो है, मतलब दुनिया भर का भाषणबाजी, ठीक है, लेकिन आप रियल में देखेंगे तो रियल में इनकी हकीकत कुछ और ही। जय भीम साथियों, आप सभी का जय भीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सुंदर बुद्ध विहार में इस समय उपस्थित हैं। हमारे साथ कामता अम्बेडकर जी हैं। कुछ बातों से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल हम कामता जी से ये रखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म आप जैसे पूछ रहे हैं, तो देखो इसमें से हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म हम कैसे बता दें, जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है चीज़ों का, तो भगवान बुद्ध का जन्म कैसे बता दें, आप हमें ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। बहुजन समाज की बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप लोग को बुकें मिल जाती है इससे संबंधित, तो आपको जानकारी क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम बहुजन समाज से संबंधित हमने बहुत सारी वेबसाइट विजिट करी हैं, लेकिन हमें जब वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो बुक्स का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइस होते हैं वो इतने हाई होते हैं कि मतलब कैसे कोई बहुजन समाज का साहित्य पढ़ेगा और कैसे मतलब जानने की कोशिश करेगा, तो इसलिए जब प्रोडक्ट का जब हाई रेट होता है तो इसके बाद में हम सीधा से वो बैक चले आते हैं। आज को आप मजबूत कीजिए, बहुजन समाज का हम साहित्य बेच रहे हैं, उसको खरीदिए पढ़िए। नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जब बहुजन समाज का साहित्य खरीदें ये सब करें ये सब चीज़ें, तो मतलब एक मतलब कैमरे के आगे ये सब सारी बातें चलती हैं, ठीक है, लेकिन कैमरे के पीछे जो चलता है, जो उनका गणित चलता है, वो एक बिजनेस टाइप होने का चलता है, ठीक है। जब भैया जब कैसे कोई इतिहास पढ़ लेगा बहुजन समाज का, जब मतलब प्रोडक्ट के जितने हाई रेट करोगे, और आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा मान लीजिए बहुजन समाज है, बहुजन समाज में कितने ज़्यादा करोड़पति, हमें समझा दीजिए ज़रा। बहुजन समाज में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 10% 10% नहीं ठीक से होंगे, जो जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, जो रिजर्वेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट जॉब उनको मिली होगी, ठीक है। अधिकतर लोग जो है आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जब इस तरह की कंडीशन है तो इतना महंगा बहुजन इतिहास कैसे पढ़ लेगा, और कैसे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ तो कैसे हम बता पाएंगे, बताइए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बहुजन समाज की बुकें हैं तो बहुत महंगी हैं। जी, मैं भी एक बार वेबसाइट में जाकर विजिट किया, कई सारी वेबसाइटें बनी हैं, आप देख लीजिए, हो चाहे जो हो तक वाली हो, ये बैठ के कैमरे के सामने बस भाषणबाजी करते हैं। जब इनके वेबसाइट में आप लेने जाएंगे ना सामान, तो इतना महंगा मिलेगा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी वहाँ पे कोई भी सामान खरीदने के लिए। आप इससे अच्छा ये सोच रहे हैं कि हमें अमेजोन से खरीद ले, फ्लिपकार्ट से खरीद ले। आपका कहना बिल्कुल सही, देखिए मैं आपके सामने सबूत भी है लाइव मेरे पास, मैं कुछ बुकें भी लेकर आया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जो है जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिनको नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप ये बताइए कि कोई भी रिलीजन है जब भी उसका प्रमोट कब होगा उसका, आप बताइए, प्रमोट उसका तभी होगा ना अच्छे से जब उसके जो है उसके जो भी सोर्स है मान लीजिए उसके जानने के, उसके इतनी कॉस्टली क्यों रखे गए हैं, यदि कॉस्टली नहीं रखे जाएंगे तो लोग जो है वो सुलभता से जो है चीज़ें मिलेंगी और लोग साहित्य को पढ़ पाएंगे। अब आप बताइए, मुझे एक बात बताइए कि हमें भगवान बुद्ध के बारे में जानना है, ठीक है, और हमें कुछ ऐसी बुक लेनी है जो कि हमारे लिए सफिशिएंट हो और मतलब ठीक से हमें चीज़ों को पता चल जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम जो है ऑफलाइन तो कहाँ इस तरह से ऑफलाइन थोड़ी ना कुछ मिलता है, कोई वो सिलेबस की बुक्स तो है नहीं कि ऑफलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही चीज़ों को जब ऑनलाइन देखते हैं इस तरह की वेबसाइट में घुसते हैं तो इतना कॉस्टली वहाँ पर दिख जाता है कि बताइए कोई यहाँ कोई गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाता है। आप ये बताइए कि जो हमारे SC ST OBC जो समाज है वो हर घर में गवर्नमेंट जॉब है, हर घर में बिजनेसमैन है, आप बताइए हर मतलब जो हर घर में कौन मिलेगा आपको, मजदूर मिलेंगे ना, इसके अलावा कौन मिलेगा बताओ, मजदूर मेहनत कश लोग जो सबकी चलाने वाले हैं, ठीक है, और कैमरे के सामने यही लोग जो ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज के लोग ये है वो है, मतलब दुनिया भर का भाषणबाजी, ठीक है,
लेकिन आप रियल में देखेंगे तो रियल में इनकी हकीकत कुछ और ही होती है, ठीक है। तो इसलिए भैया हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो मतलब कैसे हम बता दें कि कब बर्थ मतलब जन्म हुआ था इनका, क्या कैसे, हमें नहीं पता। जब हम बहुजन साहित्य कैसे पढ़ लेंगे भैया जब इतना कॉस्ट है, बताइए। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी नाराज हो चाहे मेरी बातों से, बहुजन समाज की जो बुकें बेच रहे हैं चाहे जो भी स्टोर हो, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लूटना बिल्कुल भी बंद करें, या तो समाज का नाम लेकर ऐसा काम ना करें। आपको बिजनेस करना है तो अपना बिजनेस करें, ये ना कहें कि हमारे बहुजन समाज को मजबूत करें, ये है वो है। आप दुनिया भर का तो उसमें लूटते हैं, उसमें हिम्मत नहीं पड़ती किसी गरीब आदमी की एक तो आपकी टी शर्ट खरीद ले 999 रुपये प्राइस से, कोई तरीका है क्या? आप उसमें एक स्टीकर लगवा दिए बाबा साहब अम्बेडकर का। बताइए हमें कि बहुजन समाज की, जैसे अब टी शर्ट का आपने नाम ले दिया, ठीक है, तो मैं उसकी बात ही कर लेता हूँ, बुक हो गई या टी शर्ट हो गई, इनको कौन खरीदेगा बताइए आप? जो मनुवादी होगा क्या वो खरीदेगा बताइए आप हमें? कौन खरीदेगा इसको? जो अम्बेडकरवादी होगा वही तो खरीदेगा ना, हमें आप समझा दीजिए। इसको क्रिश्चियन खरीदेगा, कौन इसको खरीदेगा? इसको जो जो इन विचारधाराओं को जो मानने वाला वही तो खरीदेगा ना। अम्बेडकर तो लूटेंगे किसको आप बताइए? किसको लूटेंगे बताओ? अपने समाज को लूटेंगे, किसको लूटेंगे भाई? तो बिजनेस ये कैसा बिजनेस है भाई? जब अपने समाज को लूट करके ये कैसा बिजनेस है? बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो, लूटना बंद करो। और ये जो आप चला रहे हो ना ये धंधा है, देखिए अब मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं आपको नजदीक से दिखाई दे रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए आप लोग को उल्टा दिख रहा है, इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र भजन संहिता और नीति वचन, ये क्रिश्चियन धर्म की एक बुक है ये, एक देखिए ये भी काफी लोग करीब लोग है जो प्रचार कर रहे हैं अपने धर्म का, आपने सुना होगा सत साहेब, ये भी कबीर समाज कबीरपंथी लोग ही हैं। अब इस बुक की कीमत सुनिए, इस बुक की कीमत मुझे ये 10 रुपये मिली, ठीक है, देखिए इतनी मोटी है, इतनी मोटी है ये बुक, इसके कीमत, इसकी कीमत है 10 रुपये, ये देखिए। और ये देखिए इसकी बताइए कितनी कीमत होगी, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। और इसकी कीमत बताइए कितनी होगी? देखिए मैं भी एक वेबसाइट से परचेस किया था, सॉरी वेबसाइट से नहीं परचेस किया था, मैंने ऐसे ही लिया था इसको। ये कितने की मुझे मिली, पकड़िए एक मिनट थोड़ा माइक, इसकी कीमत देखिए 75 रुपये की बेच रहा है इसमें, देखिए कितने पेज हैं, कितने पेज हैं इसमें देखिए, 75 रुपये की ये बुक है, ये देखिए चमचा युग मान्यवर कांशीराम जी की लिखी हुई ये बुक है, कांशीराम जी के नाम से 75 रुपये की बुक बेच रहा है, जबकि इसकी असली प्राइस मात्र 30-40 रुपये बहुत है, 50 रुपये ले लीजिए आप देख 75-80 रुपये में इसको बेच रहा है, ये क्या तरीका है आपका? अगर आप लोग धंधा चला रहे हैं तो लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये बाबा साहब के मिशन को हम चला रहे हैं और इतने मतलब इसको खरीदेंगे तो बहुजन समाज मजबूत होगा? क्या मजबूत होगा बहुजन समाज? बहुजन समाज थोड़ी ना मजबूत होगा, मजबूत होंगे वो लोग जो इस चीज़ का मतलब बिजनेस का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, और इमोशनल जो है वो कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है। और इस तरीके से जो है चीज़ों का बहुजन समाज को लूटना बंद कीजिए। ये देखिए ये जैकेट पहना हूँ ना, ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, अगर इसी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहीं लिख दिया होता कम से कम 2000 रुपये की यह जैकेट को बना दिया होता। इसलिए इन सब जो बहुजन समाज का व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को देख के समझिए कि ये कैसे अम्बेडकर नकली अम्बेडकरवादी लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आपको 2 का सामान 10 में बेच रहे हैं, मात्र 200-250 रुपये थी। अगर आप लोग कहते हैं जो वेबसाइट चला रहा है कि हमें भाई वहाँ से इतने रुपए की मिलती है, तो भाई कौन चला रहा है इसको, कौन छापता है इस बुक को? सम्यक प्रकाशन छापती है, कोई और छापता है, जो भी छापता है तो इतने महंगे रेट में आखिर इसको क्यों बेच रही है? क्या बहुजन समाज को लूट रही है? आप तो अपना घर भर ले रहे हैं, अब बहुजन समाज का व्यक्ति वो कैसे खरीद पाएगा आपका इतना महंगा साहित्य? इन चीज़ों का आपसे मुझे जवाब चाहिए। सिर्फ बनाने का यही मतलब है कि बहुजन समाज के लोग जागृत हों और इस तरीके से जो लूट रहे हैं बिजनेस बना करके चीज़ों को, तो इसको प्लीज करके बंद करें, और नहीं तो आगे चल करके फिर आपको जो है लोग गलत तरीके से
चीज़ों को डिनाई करें, फिर आप कहने लगे कि नहीं देखो हमारे साथ मतलब बहुजन समाज के लोग ही हमारा मतलब विरोध कर रहे हैं। जैसे वो ऐसा कहा नहीं जाता कि बहुजन समाज के लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ठीक है, तो ये टांग वांग खींचने जैसा चीज ना होने लगे, तो इसको जो है बंद करो। किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आप लोग जितनी महंगी सामग्री बेच रहे हैं, हमारा समाज इतना अमीर नहीं है कि आप लोग ये सामग्री को आसानी से खरीद सके। ना कहीं ये आप लोग समाज के साथ बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, ये बहुत गलत है। देखो इसमें से हमने ये ऐसा मैंने देखा है कि ये लोग करते क्या है कि कोई एक टी शर्ट की कुछ कोई एक फॉर्मेट ला करके रख देंगे, ठीक है, और कुछ ऐसी उसमें लिख देंगे बाबा साहब का नाम या फिर उनकी फोटो कुछ भी लगा करके, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ से ये लोग 250 रुपये की परचेज करके लाए, ठीक है, और एक नाम प्रिंट कर देने से उस पर 999 लिख देते, सीधा 999 लो, 999 के ले जाओ। तो इस तरीके का ये जो मतलब बहुत गंदा काम है, देखिए समाज के साथ ये धोखा करने जैसा। जो लोग भी वेबसाइट चला रहा है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जहाँ से ये बुके या सारी सामग्री छपती है या इनका निर्माण होता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनकी प्राइस इतनी ज्यादा आखिर क्यों रखे हुए हैं। है कि ऐसी चीजों को बंद करो। मेरा बहुजन समाज से और सभी लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज करके जो है आप ऐसी चीजों से बचें और अपने आप को जो है थोड़ा सतर्क रहें। बस इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था, ठीक है। धन्यवाद, जय धन्यवाद, जय भीम।